खुद को बहुत बेबस समझने लगा हूँ हादसे के बाद से। बहुत बुरा हुआ हादसा के साथ, लेकिन तुम तसल्ली रखो, हौसला रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद है आप ही को तो शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई, बहुत परेशान थे हम सब घर वाले, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। आप ही और हम सब घर वाले तो वो वक्त याद भी नहीं करना चाहते। तुम देखना, हफ्सा के लिए भी अल्लाह ताला कोई बहुत अच्छा रास्ता निकाल लेंगे। अल्लाह पाक ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। हफ्सा भी अपने घर में बहुत खुश रहेगी। तो चाय पीने चलते हैं। नहीं यार, आज मूड नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इधर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, ये है तलाल, मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, और ये पड़ोसी भी है मेरा। और ये है हैदर, कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे, बस यूनिवर्सिटी में अलग हो गए थे, लेकिन आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम। चलो फिर आप दोनों बैठ के अपनी बातें करो, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, टेक केयर। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। सेम यार, ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, आप भी। क्या हुआ हैदर, सब खैरियत तो है? बस यार, फैज़ भाई इसी महीने अपनी बहन का निकाह मुझसे करवाना चाहते हैं। ये तो होना ही था। मैं तैयार नहीं हूँ आसिम, ये सब नहीं होगा मुझसे। देखो हैदर, हम एक दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं। शायद कहीं तुम्हारी किस्मत में लिखा था, इसको एक्सेप्ट करो। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है यार। चलो आज चलते हैं बैठ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।